नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। किसान आंदोलन की वजह से देश की राजधानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स विरोध प्रदर्शनों के चलते कई दिनों से बंद कर दिए गए। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, साथ ही उनका आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। किसानों ने कृषि कानून के विरोध में आज भूख हड़ताल की, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी उसमें कूद पड़े। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा मचाया। इस पूरे विरोध को राजनीतिक प्रदर्शन में बदलने की कोशिशें की गई। वहीं अब ये लंबा खिंचता आंदोलन जिसने विपक्ष को दे दिया है मौका ताकि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा सके। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो आक्रोशित किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 19 दिन आंदोलन को हो चुके हैं। ऐसे में सवाल बरकरार है कि क्या होगा आगे। किसानों के आंदोलन के बीच जो सियासी पेच फंसा हुआ है, ये जो सड़कों पर घमासान मचा हुआ है, आम जनता परेशान है, राजधानी दिल्ली जाम है, विपक्षी दल लामबंद है, क्या होगा इस आंदोलन का समाधान, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा कुछ और सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो सवाल ये कि आखिरकार क्या किसान आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर ये कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। उनमें सबसे अहम यही कि क्या किसान आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है या हो चुका है। क्या किसानों के उपवास से पूरी होगी उनकी आस, क्योंकि आज किसानों का भूख हड़ताल का ऐलान था। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक किसानों ने भूख हड़ताल की। अन्नदाता कृषि कानून और सरकार के खिलाफ क्यों अड़े हुए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और क्या किसानों की आड़ में राजनीतिक दल सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे में इन सभी सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय मौजूद है, उनका रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रमाकांत मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। आज किसान आंदोलन का 19वां दिन, आज भूख हड़ताल थी किसानों की, क्या पसीज पाया है आप लोगों का दिल? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं शुरुआत एक दो लाइन से करना चाहूंगा। जो आंखें धोखेबाज है कभी भी सच नहीं दिखाती, आंखें धोखेबाज है कभी भी सच नहीं दिखाती। ये तो आईना है, जो सामने है वो दिख जाता है और जो शीशे के पीछे है वो हरदम छुप जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, जिन्होंने भी पंजाब सरकार का जब चुनाव हुआ था, पंजाब का जब चुनाव हुआ था, तो उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो में, और जो इधर लोकसभा का चुनाव था, उन्होंने भी, कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये दिखाया था, जो कृषि सुधार के ऊपर में उन्होंने जो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो हवाला दिया गया था, जो भी बिंदु थे उसके ऊपर में चर्चा होगी और उसके ऊपर में पूरी तरह शिद्दत के साथ उसको लागू किया जाएगा। लेकिन आज जब किसान का मुद्दा जब सामने है, तो ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है लोकसभा में और ये मतलब लोकतंत्र में। और बहुत ही गंभीरता के साथ और स्पष्टता के साथ ये कहना चाहूँगा, जो इस आंदोलन को कभी भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था, जैसे उन्होंने सांकेतिक उपवास किया है ना आज, बिल्कुल ये राजनीतिकरण नहीं तो और क्या है ये। तो कुल मिलाकर लबोलुबाब यही कहा जा सकता है कि जितना लंबा ये आंदोलन इस समय खिंचता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके यहां पर विपक्षी दलों को जाहिर तौर पर हाथ लगेंगे कि इसका किस तरह से राजनीतिकरण किया जा सके। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमाकांत मिश्रा जी ने जो तमाम सवाल खड़े किए थे, उसके बाद अब मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, विपक्ष पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर विपक्षी दल इस मुद्दे को, इस आंदोलन का राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, यही सवाल कपीश श्रीवास्तव, अगर आप मेरी आवाज मिल पा रही हो, आपसे जानना चाहूंगी। आप भी विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरह से सड़कों पर उतरी हुई नजर आई, किस तरह से हर एक जिले में जबरदस्त तरीके से सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कई जगह तो हंगामा भी मचाया, कई जगह पर सपा कार्यकर्ताओं को फिर पुलिस को गिरफ्तार भी करना पड़ा, क्या कहेंगे सर?
देखिए बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान के अंदर जो सरकार की स्थापना के अनुच्छेद दिए हुए हैं उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष ये दो चीजें होती हैं और राजनीतिक दल जो हैं वो सकारात्मक राजनीति करने के लिए ही बनाए जाते हैं और विपक्षी दलों का ये कर्तव्य है कि वो सरकार को आईना दिखाए क्योंकि निगरानी के लिए ही हमें वोट दिए गए हैं और जो हमारे प्रतिनिधि चुन के गए हैं वो सरकार को तानाशाह होने से रोकने के लिए ही गए हुए हैं। अगर कोई राजनीति सरकार कर रही है तो उसके लिए विपक्ष को दोषी कैसे कर रहा है सकता है? विपक्ष ने क्या ये बिल बनाया है? ये तो बिल सरकार लेकर के आई और गैर संवैधानिक तरीके से हम लोग वोटों की मांग करते रहे बावजूद उसके ध्वनिमत से पारित कराया और हमारा उस किसान इस आंदोलन के पहले भी चेतावनी सरकार को देता रहा बावजूद इसके कि सरकार चेतावनी से सजग नहीं हुई और दो दो उनके साथ मीटिंग्स की और उसके बाद भी उनकी बात नहीं मानी तो वो आंदोलन के लिए बाध्य हुए। विपक्षी दल वो लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए उनके साथ आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद आप लोग मैदान में उतरे आप लोगों ने प्रदर्शन किया। कपीश जी ऐसे में ये बताए कि ठीक है प्रदर्शन की बात अपनी जगह सही है विपक्षी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहाँ पर कर्तव्य विपक्षी दल नजर आ रहा है वो भी अपनी जगह सही है लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह इतना जबरदस्त हंगामा कर दिया अराजकता फैला दी कि लोगों को वहां पर कार्यकर्ताओं को वहां पर गिरफ्तार तक करने की नौबत आन पड़ी ये कहां तक जायज है? सबसे पहली चीज है शिल्पा जी कि मैं भी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ही आता हूं और यहाँ पे आपको बता दूं कि सुबह ही पुलिस की पार्टी आती है हम लोग को उठा ले जाती है सिविल लाइन ले जाके बैठा देती है और बाकी कार्यकर्ताओं को भी लाठी चार्ज करके रोका जाता है। तो चीज ये है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं क्या तहसील में हमें आने नहीं दिया जाएगा? हम तहसील में अगर आने के बाद अगर कुछ उत्पात करें और फिर आप गिरफ्तारी करें तो बात समझ में आता है। आप लोकतंत्र में हमें तहसील आने से कैसे रोक सकते हैं? तो ये प्रश्न आपको विपक्षी दलों से नहीं करना चाहिए ना हमारे कार्यकर्ता इसके लिए जवाबदेह हैं, इसके लिए सरकार जवाबदेह है। वो जानबूझ के इस तरीके की चीजें कर रही है कि किसान आंदोलन को वो अब सीए की आंदोलन के तर्ज पर ले जाना चाहती है और हर आंदोलन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एंगल देना चाहती है। ये लोकतांत्रिक तरीका है सरकार लोगों को ना सिर्फ किसानों को बल्कि विपक्षी दलों को भी। कपीश जी ऐसा है मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं और हम लोग कितने भी डिबेट में बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन एक चीज बताइए क्या 19 दिनों से ये जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है एक चीज बताइए सरजील इमाम दिल्ली दंगों का आरोपी मालेगांव लास्ट का ये आरोपी क्या यहां पर इस पोस्टर पर क्या कर रहा है? क्या आप थोड़ा सा मुझे इस पर जवाब देंगे? आप थोड़ा सा ये क्या हो रहा है? ये क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? पीछे जवाब दूंगा। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे जवाब तो ले लीजिए। हाँ दीजिए जवाब। जवाब तो लीजिए। जी जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को पोस्टर लग रहे हैं आप और लगता है कोई वांछित तत्व तो वहां पर आ सकते हैं उनकी गिरफ्तारी आप पहले क्यों नहीं करते? निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी कर आपने बोला है ना आपने बोला है ना जो कि लोगों को जानबूझ कर छोड़ देते उत्तर उत्तर प्रदेश में आपके बहुत सारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है तो ये लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन हुआ है? ये कपीश जी ये लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन हुआ है? आप लोग अराजक फैलाने के लिए वहां पर गए हुए थे और अराजकता फैलाने के लिए कोई भी सरकार इसको रोकने के लिए बाध्य है। ये दांत काट लेते हैं और पीछे चलो तो लात मार देते हैं। ये किस तरीके की डिबेट आप करना चाहते हैं? नहीं नहीं किस मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ। आज आप कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं जो कि ये हमें हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई तो ये लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है। ये उसका मेंटेन करना हुआ। ये चलिए ठीक है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्ता में हैं आप अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे अपनी दलीलें देंगे। वहां पर समाजवादी पार्टी काफी मुकद्दा के साथ इस आंदोलन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रही है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी ठीक है सुन लीजिए सर हमारे साथ किसान नेता विजय तलान जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विजय जी आज पूरा दिन तमाम बैठकें हुई तमाम बयानबाजियां भी आई सामने तमाम बयान आपने सुने होंगे। अभी फिलहाल भूख हड़ताल आज आप लोगों ने की थी शाम 5 बजे भूख हड़ताल खत्म हो गई है। अब आगे की आपकी किस तरह की रणनीति क्या अंदर खाने से किसी तरह का कोई आश्वासन कोई उम्मीद की किरण आप लोगों को नजर आ रही है या फिर यूं ही ब्लाइंड तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा? हर दिन नए सिरे से नई रणनीति तैयार की जाएगी और दिन के अंत में फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। विजय जी
शिल्पा जी, 19वां दिन है और 19 दिन से किसान ठंड में बैठा है, उसके हालात कैसे हैं इस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए। और जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि भाई ये जो अध्यादेश हैं ये हमारे किसान के हित में नहीं है, तो वो लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं, और जो रणनीति है वो तो रोज देखो बदलनी पड़ेगी। अब सरकार के कान पर तो जो रेंग नहीं रही है, क्या किया जाए भाई? हम तो एक बैठे हैं किसान हैं, अब सरकार नहीं सुनेगी, उम्मीद तो हम कभी नहीं छोड़ी हमने 19 दिन से बैठे। अगर 19 महीना भी बैठना होगा हमें तो हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, और सरकार से तो मनवा के रहेंगे हम। इसके जो किसान के हित में बिल नहीं है उसको तो वापस लेना ही पड़ेगा। लेकिन विजय जी, जिस लड़ाई की आप लोग बात कर रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक हद तक कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के किसानों का समर्थन यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को मिल चुका है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे 6 राज्यों के 10 संगठनों ने भी आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और इन तीनों कृषि कानूनों का अपना समर्थन दिया। जवाब दें, किसानों का ये, किसान संगठनों की ये दो फाड़ नजर आ रही है आपके आंदोलन को कमजोर करती हुई, क्योंकि आप खुद किसानों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि किसान आखिरकार चाहते क्या है? आप सुन तो लीजिए ना शिल्पा जी, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कि सरकार का काम है कि आंदोलन को तोड़ना और किसानों का काम है कि उन अध्यादेशों को वापस लेवाना। अब सरकार अपने संयंत्र में सफल होती है या हम अपने मिशन में सफल होते हैं, ये तो भविष्य के घर में छिपा है कि क्या होने वाला है। हम बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि ये बिल किसान के खिलाफ है और इन्हें मनवाकर ही यहाँ से हटेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और जब किसान उद्देश्य, लेकिन इस तरह के समर्थन के बाद आप लोगों के बीच जब बैठकें होती होंगी, चर्चा तो होती होंगी, बात तो होती होंगी? जी बिल्कुल, बातें होती है। और हम जो आपने कहा कि 10 लोगों ने 10 संगठनों ने आज बात की है, 10 संगठन थोड़ी है हमारे, तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी संगठन है सभी समर्थन दे रहे हैं और सभी आ रहे हैं। हम तो सभी बात करने के लिए तैयार है ना, हम 10 संगठन से बात क्यों कर रहे हैं? वो इस तरह की हरकतें सरकार को शोभा नहीं देती है कि लोगों को बुलाकर, एक आदमी को बुला लिया, चार आदमी को बुला लिया, वो संगठन मेरे समझ से परे हैं कि वो कौन से संगठन है। किसी कोई व्यक्ति एक अपना संगठन बना करके रजिस्ट्रेशन करा ले तो वो संगठन नहीं हो जाता है। संगठन जो है उन्हें देखिए ना, जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है उनसे बात तो नहीं हो रही है। वो तो बिल्कुल, जो अगर जैसे कोई भी गुट है वो सरकार के पक्ष में जाता है तो समझ में हमारी में भी आ जाता है कि सरकार कर क्या रही है उनके साथ में, या क्या दिया जा रहा है, क्या मतलब धोखा दिया जा रहा है किसानों को। तो एक आदमी से ये संगठन खत्म नहीं होने वाले हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आए, उसके अलावा दिल्ली की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में सड़कों पर दिखी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में, इस किसानों के आंदोलन के समर्थन में कहां स्टैंड करती है? सर शिल्पा जी, एक बड़ा पुराना शेर था, दुष्यंत ने लिखा था जी, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। सच बात यह है, पहली चीज तो मुझे आप अपनी आवाज इको हो रही है, इसको ठीक कराइए। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि आज जब हम किसानों के हक में, किसानों के समर्थन में लगातार जिस दिन से ये किसान आंदोलन हुआ है उस दिन से खड़े हैं, तन से, मन से, अर्पण से। पंजाब में लगातार किसान आंदोलन हो रहा, किसान जो है पटरियों पर बैठे हुए थे 2 महीने से, सरकार को सुध नहीं आई। जब किसान बिल क्या नाम संसद में पेश किए गए थे तब हमने विरोध किया, लोकसभा में हमारे सांसदों को सस्पेंड किया गया और राज्यसभा में तो कहीं ना कहीं हरिवंश सिंह ने काला अध्याय लिख दिया सरकार के समर्थन में, जो कि उपसभापति थे। हमने लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्यों में और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ी है। और जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं इन क्या नाम किसान बिलों का समर्थन करके नोटिफिकेशन दे दिया था, उनकी तो कथनी करनी में अंतर है, खैर वो मसला नहीं है। हम तो यहां पर 2-3 बातें आपसे कहना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को अन्नदाता कह रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां चला रहे,
उनको पाकिस्तानी बता रहे हैं, उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, उनको वामपंथी बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि साहब उसमें हाईजैक कर रहे हैं कोई लोग, अन्नदाता और जिनको आप देवता कहते हैं, देवताओं की मति पर आपको भरोसा नहीं है क्या? देवताओं से तो आप सुमति मांगते हैं, हम सब लोग सुमति मांगते हैं देवताओं से, तो और उन देवताओं की मति पर भी भरोसा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को, और कह रही है कि देवताओं को भरमाया जा रहा है, अन्नदाता को कोई भरमा सकता है? हम एक चीज बहुत स्पष्ट कहते हैं, यह किसानों का आंदोलन है, राजनीतिक दल इसमें समर्थन दे रहे हैं, राजनीतिक दल इसमें समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की खासतौर पर बात करो तो कितना योगदान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का किसानों को जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात कर लू, अखिलेश यादव की बात कर लू, वो वाकई में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहाँ पीछे रह गए, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे हैं? सर 19 दिन हो चुके हैं, क्या सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट कर देने से मामला शांत हो जाता है? क्या अपना समर्थन दिखा दिया जाता है? शिल्पा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दृष्टिकोण की दिक्कत है, शायद आपने देखा नहीं होगा। मैं आपको याद दिला देता हूं कि सबसे पहले अगर किसानों के समर्थन में किसान यात्रा किसी ने की थी 3 दिन की, तो श्री राहुल गांधी जी ने की थी पंजाब में और पूरे हरियाणा में, और किसान आंदोलन के किसानों को समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे मिस्टर जाखड़ हो, और चाहे हमारे सारे के सारे हरियाणा पंजाब से राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हो, वो धरने पर बैठे हुए हैं। जिस दिन से 19 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सच बात यह है कि किसानों के धरने को हम किसानों के मंच पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि यह धरना कांग्रेस ने करा दिया है, यह आंदोलन कांग्रेस ने करा दिया है। हाँ, हम साथ में हैं, लेकिन आंदोलन किसानों का है। सुरेंद्र जी, आपकी जानकारी नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ शिल्पा जी, इस जानकारी को दुरुस्त कीजिए। किसान आंदोलन को साथ में श्री राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, उन्होंने शुरू किया। महाशय, एक बार मेरा भी बात सुन लीजिए, क्या उससे, क्या जिस चीज का उन्होंने शुरुआत की उसे अंजाम तक पहुंचाना नहीं चाहिए? ये आपका कुतर्क है, इस कुतर्क का मुझे कोई जवाब नहीं देना है। सच बात यह है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। सुनिए आप, 55 सालों से अगर किसान को आर्थिक रूप से कर कमजोर करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। अगर 55 सालों से किसान को अगर आर्थिक रूप से कमजोर करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सवाल आप पर भी खड़े हो रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस को ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, जिसने किसान को सबसे पुराना राग आपने से कुछ नहीं होता। अब किसान क्यों परेशान है, अब किसान क्यों परेशान है? लेकिन हरित क्रांति में बहुत बड़ी विडंबना है सुरेंद्र जी, अगर आप किसानों के विरोध में कहते हैं ट्विटर से और फेसबुक से, हरित क्रांति क्या किसानों के आंदोलन का समर्थन होता है क्या? दुग्ध क्रांति को आप किसानों के विरोध में कहते हैं क्या? एमएसपी को 1965 में लाना किसान क्रांति के विरोध में, 1995 से 2000 के बीच में 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है, किसानों के विरोध में कहते हैं क्या? हर एक साल 15,000 किसानों ने आत्महत्या करी है, और ये आपके शासन काल में हुआ है। आप लोगों को सर माननी चाहिए, आप सुने कि किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, और उसके बाद हम आपको बताते हैं। आप किसानों के सबसे बड़े हिमायती हैं, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, ठीक है। सुरेंद्र जी सुनिए, सबसे ज्यादा किसानों की हिमायत मांगते जा रहे हैं। रमाकांत जी ऐसे 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 तर्कों के हवाले आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है, कांग्रेस ने बहुत किया, ठीक है, बीजेपी बहुत कर रही है, तो फिर किसानों की ये हश्र क्यों हो गया? किसान इतने मजबूर क्यों हो गए हैं? 19 दिनों से सड़कों पर क्यों बैठे हुए हैं? दोगुना करने के लिए खड़ी है ये, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को बंद करिए, सर माननी चाहिए आप लोगों को। पहली चीज तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरे चरित्र के हैं और झूठे हैं। तेहरा चरित्र आप लोगों का है, दोहरा चरित्र छोड़िए, तेहरा चरित्र है आप लोगों का। कोर्ट में एक बाकायदा हलफनामा दिया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, वो हलफनामे की कॉपी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा शिल्पा जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, 2011 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने
बाकायदा प्राइस कमेटी थी जो श्री मनमोहन सिंह जी ने और शरद पवार साहब ने फॉर्म की थी, जिसके अध्यक्ष जो थे श्री नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एमएसपी को गारंटी बनाने के कानून की बात कही थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो आज प्रधानमंत्री हो गए तो उसको गारंटी क्यों नहीं बना देते हैं? कहां कहां पीछे हट रहे हैं? दूसरी बात रहे हैं वो जमा संशोधन की तो बात कर ही रहे हैं वो। अगर रमाकांत जी ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बीपी हाई हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा बीपी हाई नहीं है सर, गारंटी बीपी हाई नहीं है मेरा। कानून बना दे रहे हैं तो किसानों की समस्या है ही नहीं। आप जो किसान नेता बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए एक बार, हमसे मत पूछिए। आप हमारा विरोध करते करते किसानों का विरोध मत कीजिए, पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूं, अगर आप किसान के एमएसपी को गारंटी 23 फसलों पर देने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, हम भी स्वागत करेंगे। आप गारंटी कीजिए और हम स्वागत करेंगे और ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा मील का रमाकांत जी जवाब दे। आप किसान नेता से क्या तैयारियां हैं आपकी? एक चीज है, कानून बना है उसमें संशोधन की जरूरत है, सरकार बिल्कुल पहल कर रही है, बातचीत भी चल रहा है। और निश्चित तौर पर चौथी बात है, आप एमएसपी की बात कीजिए, गारंटी एमएसपी की भी बात कर रहा हूं मैं। आप गारंटी की बात कीजिए, मैं एमएसपी की भी बात कर रहा हूं मैं। कानून बनाइए, मैं हर एक चीज का, हर एक ऐसे बिंदु जिसमें किसानों को, किसानों का जिसमें भला होगा वो हर एक बिंदु के ऊपर में चर्चा होगी। अरे उसमें संशोधन होगा लेती है आप, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए जी, आराम से, भाषा की शालीनता रखिए। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे में मेरे देश का किसान इतना भोला है, ये जो तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आती है वो इसी में फंस कर रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि जबरदस्त तरीके से हमने किसानों के उत्थान के लिए काम किया, वहीं बीजेपी कहती है कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है, बावजूद इसके किसान 19 दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ है और कोई समाधान अभी हाल फिलहाल में निकलता हुआ नजर आ भी नहीं रहा है। विजय तलान जी, आपके पास आना चाहूंगी, नेता हैं आप, आज आप लोगों ने उपवास रखा, ऐसे में किसानों ने आज के उपवास से किस तरह की आस लगाई है? आगे हम कितना उपवास रखेंगे, कितने भूख हड़ताल करेंगे, ये सरकार को देखना है। हाँ? और आने वाले समय में सरकार को बिल्कुल सोचना होगा कि ये किसान जिसको अन्नदाता भी कहा जाता है, देश का पोषक भी कहा जाता है, श्रम का देवता भी कहा जाता है, मोदी जी ने नारे दिए थे ये सारे, आज वही किसान भूख हड़ताल पर बैठा है, ठंड में बैठा है, 19 दिन बाद भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी वो ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राजनीतिक दल जितने भी आपस में लड़ तो लेते हैं, ये जब पक्ष में होते हैं, ये सत्ता पक्ष में होते हैं तब वो काम नहीं करते हैं, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो फिर समर्थन भी देते हैं, बात बड़ी बड़ी भी करते हैं, ये सारे आपस में ही लड़ते रहते हैं, भाई हमारी तो कोई सोचता नहीं, बेहतर वाजिब सवाल है। सुरेंद्र जी आवाज मिल पा रही हो तो जाना चाहूंगी आपसे, किसान आज आपसे पूछ रहा है कि जब आप लोग सत्ता पक्ष में होते हैं तो सुना नहीं जाता किसानों का, और जब विपक्ष में आ जाते हैं तो किसानों के समर्थन में उतर आते हैं, वो किस पर विश्वास करे सर? दो बातें बड़ी स्पष्ट है जो किसान नेता ने कहा, ये आंशिक रूप से सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये सच है। इसमें हम ऐसा नहीं है कि अपनी सरकार की कमियों को नहीं स्वीकारते हैं। किसान के मामले में निश्चित तौर पर जितने काम होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में ही कांग्रेस ने कानून बना दिया था? क्या ये सच नहीं है कि एमएसपी 1967 में श्री लाल बहादुर शास्त्री लाए थे जिसकी वजह से किसान की कमर सीधी हुई थी? क्या ये सच नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के जमाने में ही हरित क्रांति आई थी? क्या ये सच नहीं है कि दुग्ध क्रांति भी कांग्रेस के जमाने में ही आई थी जिससे किसान को लाभ हुआ? और सबसे बड़ा काम जो किया था वो श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी की सरकार में लैंड रिफॉर्म बिल जो हम लेकर के आए थे, जो क्या नाम, किसानों की भूमि को धारा 4 में ले लिया जाता था। किसान नेता से पूछिए कि आज की डेट में वो जो लैंड रिफॉर्म बिल हम लोग लेकर के आए थे, क्या उससे बड़ा बिल कोई ला सकता है कि जिसमें भूमि अर्जक जो किसान को है उसकी भूमि का 4 गुना मूल्य मिलता था, बाजार भाव से, सरकारी भाव से नहीं। इतना बड़ा रिफॉर्म अगर कोई लेकर के आया तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई शिल्पा जी, उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई।
हम सरकार में नहीं आए, जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को वर्तमान सरकार को पूरा करना है, क्योंकि विकास और कमियों का पूरा करना तो लगातार सरकारों का काम है। ठीक है सुरेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इस समय किसान नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके सुन लेते हैं। कांग्रेस के हमारे भाई जो बता रहे हैं 119 साल बाद भूमि अधिग्रहण बिल 119 साल बाद आया था, 1894 जो एक्ट बना था अंग्रेजों के द्वारा वही चलता रहा, उसी डंडे से हमें ये सरकारें हांकती रही, और 2013 में वो बिल आया, 119 साल झेला हमने उसको, और जिस तरह से हम पर डांटी डंडे। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि जब भूमि अधिग्रहण बिल ये आया था उससे पहले हमारे किसान, कितने किसानों की हत्याएं सरकार के द्वारा हो चुकी थी, कितनी लड़ाई लड़ी गई किसानों के द्वारा, और तब जाकर के वो हमें ये अधिकार मिला, लड़ाई से ही मिला। और आज भी हम सोचते हैं कि हम कब तक अपने किसानों की हत्या करवाते रहेंगे, कब तक किसानों पर इस तरह से अत्याचार होता रहेगा। सुरेंद्र जी आपसे सवाल पूछा है किसान नेता। शिल्पा जी एक बात और याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको। हाँ हाँ बोलिए 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 जल्दी से। मैं किसान नेता से सभी एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए विजय जी बोलिए जल्दी से। 14 अगस्त 2010 में ये जो हमारे 14 अगस्त 2010 में हमारे चार किसानों की हत्या होती अलीगढ़ जिले में टप्पल एक कस्बा पड़ता है, जब ये यमुना एक्सप्रेस वे पर जो अधिग्रहण का काम चल रहा था, उसके बाद जो देश में पूरे में एक चिंगारी उठी आंदोलन की, तब ये बिल लाए थे, उससे पहले कहां था सोए हुए थे कांग्रेस सरकार। और उसके बाद भी मोदी जी जब आए तो 2014 में फिर अधिग्रहण बिल लाने की, उन्हें दूसरा नया बिल लाने की उन्होंने चेष्टा की, किसानों ने फिर बहुत बड़े आंदोलन किए, तब जाके थमा। और अभी भी ये जो 2006 में जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी उसमें जो तय हुआ था, कांग्रेस कहां रही थी इतने दिन तक, और मोदी जी ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि अगर मेरी सरकार आई तो हम किसान को उसकी उपज का 1.5 गुना देंगे, यानी कि ना कांग्रेस एक्सपेक्टेशंस पूरी की और ना फिर मोदी सरकार ने। मोदी जी जवाब एक सुन लीजिए, एक मिनट शिल्पा जी एक बात और सुनिए मेरी, थोड़ा सा मेरा अभी बच रहा है। मोदी जी ने कहा था कि किसान को उसकी उपज का 1.5 गुना देंगे, सर सुनिएगा जरा, उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और उसकी उपज का 1.5 गुना देंगे, इन्होंने A2+FL तो जारी कर दिया लेकिन A2+FL जारी किया और जो आना चाहिए था वो नहीं किया जो हम चाहते थे। यानी कि आप कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी दोनों से ही नाराज है, दोनों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। चल चल ठीक है ठीक है सुनील, अब आपने जो सवाल कांग्रेस से पूछा है जरा सुनील जी से जवाब भी ले लेते हैं। शिल्पा जी इनके सारे सवाल वाजिब, इनके सारे आरोप शर्मा थे, हम बहुत स्पष्ट रूप से हम इनसे कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, कुतर्क तो हम करेंगे ही नहीं। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के जब हमारे पास मात्र 1960 करोड़ का बजट था तो 1960 करोड़ के बजट में हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था किसानों के भूमि को अभिसिंचित करने के लिए, हमने हथियार नहीं खरीदे थे उस वक्त। उसके बाद अगर हमने MS स्वामीनाथन के साथ में हरित क्रांति लेकर के आए थे तो वो भी हम किसानों के लिए ही लेकर के आए थे, दुग्ध क्रांति लेकर के आए थे तो भी किसानों के लिए लेकर के आए थे और किसानों ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 1894 का बिल था, 1894 का बिल 2013 में बदल पाए हम, ये देरी कांग्रेस से भी हुई। लेकिन एक बार भी क्या आप लोगों ने पूछा कि 1975 में जब सरकार जनता पार्टी की आई थी उन्होंने क्या किया इस बात को, क्या नाम लैंड रिफॉर्म बिल लेकर के आए, उसके बाद क्या नाम 1989 में भाजपा की और जनता दल की सरकार आई, क्या वो लोग इस बिल को लेकर के आए, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6.5 साल की सरकार आई तो क्या उन लोगों को बिल लेकर के आए। और इन्होंने तो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने तो काला काम किया कि जब 2014 में ये बिल आ गया था हम लोग किसानों को उनका लाभ मिलने लगा था, इस बिल में 5 काले अध्याय लेकर के नरेंद्र मोदी जी आ गए थे अपने बहुमत के दम पर। हमने किसानों के साथ मिलकर
उन पांचों के पांचों काले कानूनों को वापस कराने का काम किया था या नहीं किया था, ये किसान नेता जानते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो एम एस स्वामीनाथन की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम सीएसीपी प्लस 50% नहीं कर सकते। मैं किसान नेता को एक बात और याद दिला देता हूं कि सीएसीपी की जो है उसमें दो किसान नेता होते हैं हमेशा, और कांग्रेस रखती थी 2014 से लेकर के 2020 तक एक भी किसान नेता सीएसीपी यानी मूल्य निर्धारण समिति में नहीं है। आज की डेट में सरकार भाजपा की है, प्रश्न भाजपा से होने चाहिए थे। हमारी कमियां आप गिनाइए हमारे सर माथे पर, आगे हम उन कमियों को भी दूर करेंगे, लेकिन इस समय जो भी काम कर सकती है वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है। और उस भारतीय जनता पार्टी मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, इस समय सबसे बड़ी जवाबदेही अगर किसी की बन रही है तो वो बीजेपी की ही बन रही है। बीजेपी 2014 से केंद्र में काबिज है, और ऐसे में अगर अब किसान इस स्थिति में आ गए हैं तो काफी हद तक जवाब बीजेपी को ही देना होगा। बीजेपी रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रमाकांत जी आऊंगे आपके पास भी, लेकिन उससे पहले कपीश श्रीवास्तव जी से मैं जानना चाहती हूं। कपीश जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता आप लोगों की वाकई में मैं अप्रिशिएट करूंगी आप लोगों को कि जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, किसानों के समर्थन में अपने आप को दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्या 2022 के मद्देनजर सियासी जमीन तलाशने की आप लोगों की तरफ से कोशिश? सियासी जमीन उनको तलाशनी पड़ती है जिनके पास जो है चार बार सरकार ना बनाए। तो हम तो सियासी दलों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत संगठन हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर, और कोई भी पार्टी हो वो वोट की ही राजनीति करने के लिए जनता की सेवा को एक माध्यम बनाने के लिए राजनीतिक दल बनाती है और चलाती है और देश का की सेवा करती है। तो ये कोई ऐसी बात है कि हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारा फर्ज है, एक राजनीतिक दल का फर्ज है और विपक्षी दलों का फर्ज है कि वो सरकार को आईना दिखाए, वो आईना हम दिखा रहे हैं। जब वो नहीं देख पा रहे हैं तो कारखाने में टूटी की आवाज जब कोई नहीं सुनता है तो कारखाने से बाहर भी आना पड़ता है। तो अब हम लोग की मजबूरी सरकार ने बनाई है कि हम लोग अपनी बात जनता तक आखिर पहुंचाएं कैसे, तो यही चीज है। और दूसरी बात देखिए कि अभी जितनी भी बातें हुई हैं, भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने उसका जवाब दिया है जी। मुझे कभी कभी एक बार सोचना पड़ रहा था कि वर्तमान समय में सरकार क्या कांग्रेस या विपक्षी दलों की है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को तो आधार बनाना चाहती है और यही चीज लेकर वो आ रही है। तो अपने नकली किसान पैदा कर रही है, फूट डालो राज करो, तो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है वही कर रहे हैं। ये के आंदोलन से जो उन्होंने सीखा, जो हाथरस में अजमाया, पाकिस्तान का एंगल, खालिस्तान का एंगल, पीएफए का एंगल और लंदन का एंगल, तो वो सारी चीजें ले रही है। लेकिन किसान नेता विपक्ष में कमी ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी बात मकान जी, विपक्षियों में तो आप लोग कमी ढूंढ रहे हैं, किसानों के अंदर कमी ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसानों को तो भ्रमित किया जा रहा है, वरना तो हमारा जो लाया हुआ कानून है वो जबरदस्त तरीके से किसानों के हित में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कबीर जी जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए किसान जो है वो अगर आंदोलित कर रहा है, सड़क पर आंदोलित है, उसके विरुद्ध अगर बिल बना है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। और ये जो सरकार बैठी है और जो कह रही है कि विपक्ष उनको भ्रमित कर रहा है, किसान नेता हमारे आपके परिचर्चा में बैठे हुए हैं और कितनी अच्छी बात वो कह रहे हैं, वो केवल सत्ता पक्ष की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में सत्ता वो विपक्ष की भी कमियां उकेर रहे हैं, निष्पक्षता से रख रहे हैं सबके सामने। और सुरेंद्र भाई ने बहुत निष्पक्षता से अपनी बात कही है, इसमें गुरेज करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात, इसमें गुरेज करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कहा। लेकिन सारे प्रश्न तो उठने चाहिए इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये वही आज बोल रहे हैं। तमाम सवाल खड़े किए हैं सर, 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 आपने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब भी ले लेते हैं। रमाकांत जी, कुल मिलाकर बार बार जवाबदेही आपकी पार्टी की बनती है,
उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहां के किसानों की स्थिति की बात कर ले, या फिर केंद्र में आप लोगों की सरकार है, तो जाहिर तौर पर 19 दिनों से किसान आज ये जिस परिस्थिति को फेस करने के लिए मजबूर है, जवाबदेही आपकी बनती है। आप लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दल भ्रमित कर रहे हैं, तो उसके पीछे गलती किसकी है? आप लोगों को पहले उन्हें इस हद तक समझा देना चाहिए था, उन्हें कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए था, उसके बाद अगर कानून उन पर उनको लाया जाता उनके सामने, तो शायद वो काफी हद तक समझ जाते। तो ऐसे में गलती किसकी मानी जाए? ऐसा है, 1951 में जो मतलब देश की इकोनॉमी का 55% कृषि से आता था, और 2017 का क्या हाल है, तो 17% 18% है, 53% जो पॉपुलेशन है अपना इंडिया का वो कृषि के ऊपर में आधारित है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि 55 सालों तक जो कांग्रेस ने, उसे छोड़ दीजिए सर, वही चीज, अब एक मिनट, एक मिनट, क्या नहीं हुआ, नहीं नहीं, अब एक चीज छोड़ दीजिए, बिल्कुल कहना चाहूंगा, अपनी गलती मान रहे हैं, आप बच्चे से कमाने की उम्मीद करते हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय सुई तक नहीं बनती थी, क्या उस समय नहरें बनी हुई थी? अरे आप सुनिए तो सही, अपना पक्ष आपने रख लिया ना, किसी सरकार आपने अपना पक्ष रख लिया कपीश जी, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आपने अपना पक्ष रख लिया, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, हमारे किसान को आपके चिल्लाने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी, आपके चिल्लाने से वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना ग्राउंड खो चुकी है, मैं फिर उसी बात पर आऊंगा, फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा, उसी मुद्दे पर आऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने अपना पक्ष रख लिया, उनको मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, चिल्लाने से चर्चा आगे नहीं बढ़ा, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, ठीक है, ठीक है, आपने जो आपने अपना पक्ष रख लिया सर, समाजवादी पार्टी का ग्राउंड बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप लोग क्षेत्रीय, आप क्या बात कर रहे हैं सर, आप कपीश जी, आपका सम्मान मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं, तो वास्तविकता से आप करे हो, ऐसा सम्मान नहीं सर। 1951 में 55%, 17 में 17%, 53% पॉपुलेशन इंडिया का, 53% पॉपुलेशन इंडिया का कृषि को, 2022 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, 2000 किसानों की आय को दुगुना करने के लिए जो संकल्प लिया हुआ है, ये उसी के, ये उसी के फेवर में ये बिल है। अगर बिल में कोई कमियां है, अगर बिल में कोई कमियां है, तो उसमें सुधार की जरूरत है, किसान कह रहे हैं कि इस ओर कदम बढ़ा चुकी है, लगता ही नहीं, ऐसे में सरकार इस ओर कदम बढ़ा चुकी है, ऐसे में सरकार फिर आगे और क्या कदम बढ़ाएगी? हालांकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान सम्मेलन किया जाएगा, क्या अब बहुत देर नहीं हो चुकी है? अब लोगों को अब आपको याद आ रहा है कि किसान सम्मेलन के जरिए जिले जिले में अपनी बात पहुंचाई जाए, किसानों से बात की जाए, जिस समय में लोकसभा में मैं अभी भी कह रहा हूँ 5 घंटे बात हुई थी, राज्यसभा में 7 घंटे बात हुई थी, क्या आप लोकतंत्र को मंदिर नहीं समझते हैं? क्या 500 जो जनप्रतिनिधि हैं उसको आप नहीं मानते? क्या आप राष्ट्रपति को नहीं मानते? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? आप मानते फिर किसको हैं? अगर कोई कानून में अगर कोई सुझाव था, अगर कोई सुझाव था तो उस समय में क्यों नहीं आया? कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का अगर कोई नेता उस बिल के अगेंस्ट में अगर कोई इस्तीफा दे दिया हो सदन में, तो मुझे बताइए उसके बारे में, अगर किसी ने उस इस्तीफा दे दिया हो उस बिल के विरोध में, कोई सुझाव नहीं था उस समय में, कोई सुझाव नहीं था। रमाकांत जी, ये तो पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से ध्वनि मत से इसे कानून बनाया गया, किस तरह से इसे पारित करवाया गया, पूरे देश ने देखा था, कोई सुझाव नहीं था, ध्वनि मत से ही पारित हुआ था, ये सबने देखा था। जो लोकसभा में कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि था, किसी ने भी उस बिल के अगेंस्ट में क्या इस्तीफा दे दिया? मुझे एक का नाम बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप कभी नहीं थमने वाला है। विजय दलान जी, आप सुन रहे हैं तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, आप सुन रहे हैं। अब आगे आपका ये आंदोलन, विजय जी, आपका ये आंदोलन हाईजैक ना होने पाए, अराजक तत्वों की इसमें एंट्री ना होने पाए, इसके मद्देनजर किस तरह की खास एहतियात आप लोग बरत रहे हैं ताकि ये आउट ऑफ ट्रैक ना हो जाए? विजय जी, रमाकांत जी, विजय जी किसान नेता, उनसे सवाल किया है मैंने, जरा उनको जवाब देने दीजिए, बहुत अभी मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। विजय जी जल्दी से जवाब दे।
विजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वामपंथियों की इसके पीछे साजिश है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। विजय जी, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क कट गया है। रमाकांत जी, जिस तरीके से तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं, छोड़ दीजिए, सभी आरोपों को छोड़ दीजिए, विपक्षी दलों को भी भूल जाइए, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि किसान और कितने दिन वहां पर बैठे रहेंगे, कब किसान वहां से उठने वाले हैं? सीधा सा सवाल। किसान के सामने में जो 15 सूत्रीय ये दिया गया, वो बिंदु दिया गया है, ये उसके ऊपर में वो खुद चर्चा करके और खुद ही सरकार के साथ बिल्कुल वो नेगोशिएट होगा, और जल्द से जल्द हम लोग आशा करते हैं, क्योंकि आशावादी हैं और मतलब और पार्टियों की तरह निराशावादी नहीं है, आशावादी हैं और निश्चित तौर पर इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आपका फाइनल कमेंट, आपको क्या उम्मीद है? संतुष्टि के हद तक सरकार बात करे, प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर के सिंघू बॉर्डर पे चले जाएं, दिक्कत क्या है? अपनी बातें ये लोग कह रहे हैं, किसान की बात नहीं सुन रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा, जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान वो MSP को गारंटी देने के लिए तैयार है। अगर ये इनका आधिकारिक स्टैंड है तो मुझे लगता है कि बातें बन सकती हैं, लेकिन ये बात ये तो कह रहे हैं, इनके नेता इसके उलट कह रहे हैं। अभी अमित शाह से एक मीटिंग हुई थी किसान नेताओं की, उन्होंने खुलासा किया कि साहब आप कह रहे हो रोज MSP की बात कर रहे हो, दोगे MSP 23 फसलों पर? अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, 17 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। ये अमित शाह जी का कोट अनकोट है एक किसान नेता के द्वारा। तो जब सरकार के अंग आपस में ही एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो झूठे लोगों से हमें रिटर्न में गारंटी चाहिए। किसान चाहते हैं, वैसे आप चाहते हैं। किसान नेता हमारे साथ विजय तालान जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विजय जी, आपको फिलहाल कैसी उम्मीद है और कितनी उम्मीद है, क्या लगता है आपको, और कितने दिन आप लोगों को वहां पर बैठना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा और आप लोगों को वहां से घरों को वापस लौटा दिया जाएगा? हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, हम हटेंगे नहीं। हमारे अंदर रोष भी है और आक्रोश भी है, वो कहां तक उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। अपनी लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। ठीक है, ये लड़ाई आप लोगों की है, हक की लड़ाई है, ये लड़ते रहेंगे जब तक आप लोगों की जो, नहीं मानी जाती जो है। आरोप एक शिल्पा जी एक और हाँ? कहना चाहूंगा लास्ट में कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ना बार बार हम पर कि हमारे अंदर नक्सली घुस रहे हैं, हमारे अंदर खालिस्तानी घुस रहे हैं, पाकिस्तानी, ये सरकार के द्वारा भेजे हुए कुछ लोग होंगे जो आरोप हम पे लगा रहे हैं ना, तो हम सीधा बोलते हैं कि ये सरकार के द्वारा भेजे हुए कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें हमसे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं। सरकार राकेश टिकैत जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया है। विजय जी, राकेश टिकैत जी ने भी स्वीकार किया है, जो कि हो सकता है राकेश जी ने ये कहा है कि हम निगाह रखेंगे उन पर, ऐसे लोगों को ना घुसने दिया जाए, बिल्कुल, और ऐसे लोग हमारे तो निश्चित तौर पर रखेंगे, निश्चित ताकि किसानों के आंदोलन की आड़ में शरारती तत्व, अराजक तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करें। कपिल श्रीवास्तव, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, 10 सेकंड सर आपके पास। देखिए, बिल्कुल मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि तीन सुधारे अगर कर लें तो मेरे ख्याल से किसान बन जाएंगे। पहला ये कि MSP का कानून दे दें, दूसरा ये कह दें कि क्या बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें ये गारंटी सरकार करेगी कि उनकी जमीनों को कभी अटैच नहीं करा पाएंगे, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जिस तरीके से एक्ट था उस तरीके से संशोधित कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरी चर्चा में किसानों के लिए कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश करने के लिए। तो अन्न देने वाला आज खुद भूखा बैठा है, अन्न देने वाला आज खुद भूखा बैठा है, उसे भूख की चिंता नहीं है, उसे अपने हक की चिंता है। सरकार पशुपेश में है, विपक्ष मौके की तलाश में है, लेकिन क्या होगा इन किसानों का, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।